देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। 26/11 मुंबई के हमले में शहीद हुए जवानों को वेटरन इंडिया पूर्व सैनिक संगठन ने दी श्रद्धांजलि। आज ही के दिन 12 साल पहले 26 नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को पूर्व सैनिक संगठन वेटरन इंडिया ने अपने मुख्यालय मथुरा में श्रद्धांजलि अर्पित की तथा पुष्पमाला चढ़ाए और शहीदों को याद किया। प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन नेत्रपाल सिंह ने कहा कि 26/11 को आतंकी हमला भारतीय इतिहास में पूरे दिन के रूप में लिखा गया है, जो बहुत ही निंदनीय था। हम उन सैनिकों को और उनके परिवारों को सांत्वना देते हैं। उन जवानों का बलिदान जब तक भारत माँ का नाम रहेगा याद किया जाएगा। इस अवसर पर सूबेदार मकरध्वज, हवलदार ओम प्रकाश, हवलदार श्याम सिंह, कैप्टन समुद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, सूबेदार करतार सिंह, अमर सिंह, हवलदार अशोक कुमार, मास्टर शक्कुलाल जुग्गन, नंबरदार जगदीश सिंह व पूर्व सैनिक संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये थी संवाददाता मनोज सिरोही की रिपोर्ट। नाम है सर आपका? जय हिंद। मैं कैप्टन नेत्रपाल सिंह, पूर्व सैनिक संगठन वेटरन्स इंडिया प्रदेश अध्यक्ष। आज हम समस्त वेटरन्स इंडिया परिवार 26/11/2020 को, आज से 12 साल पहले मुंबई में आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ था, इसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्स के एनएसजी कमांडो के जवानों ने आतंकवादियों को मार गिराया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था। और आज हम शहीदों को, जो शहीद हुए थे मुंबई में, उनको श्रद्धांजलि पुष्प अर्जित कर हमारे समस्त पूर्व सैनिक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम उनके परिवार, शहीदों के परिवार, सिक्योरिटी फोर्स के सभी को हम नमन वंदन करते हैं, तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ।